तो फ्रेंड्स हम घर आ गए थे वापस, पर एक्सीडेंटली हमारी कीज वहाँ रेस्टोरेंट में रह गया है, तो हम वापस जा रहे हैं अभी। हे यार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो होप आप लोग सब ठीक हो, अच्छे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और फ्रेंड्स गर्मी बहुत हो रखी है, बहुत अच्छी खासी गर्मी हो रखी है, तो जैसे मैं आप सबको हमेशा बोलती हूँ, अपने आप का ध्यान रखना, पानी पीते रहना, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, जितना हो सके दोपहर के धूप को अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि दोपहर को बहुत तेज़ धूप होती है और उस टाइम पे सनस्ट्रोक वगैरह का डर रहता है, तो इसलिए कोशिश करना कि दोपहर को थोड़ा सा कम निकलो, क्योंकि बिना निकले भी होगा नहीं डेफिनेटली, तो कोशिश करना कि थोड़ा सा दोपहर के धूप को अवॉइड करो। तो आज शुरू हो गया एक और डे, और आज है अथर्व का लास्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब कल से उसका समर ब्रेक स्टार्ट है, तो आज से आज लास्ट जाना है, फिर उनका शायद रीओपन होगा जुलाई में, और जुलाई फर्स्ट वीक होगा शायद, तो तब उनको जाना है। तो आज उसके स्कूल में है कि एक्टिविटीज़ करवाएंगे सिर्फ, और गेम्स करवाएंगे, आज पढ़ाई शायद नहीं करवाएंगे, तो बुक्स तो ले जाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले जाना है, तो पर उसके साथ ज़्यादातर आज एक्टिविटीज़ वगैरह करवाएंगे। और उसके स्कूल से ये बोला है कि आज बच्चों को थोड़ा सा अच्छा सा स्नैक्स वगैरह दे दे घर से बना के, ताकि बच्चे आपस में इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या दूँ, मैंने रात को, क्योंकि अथर को मोमोज ले जाने थे, तो इसलिए मैंने रात को मोमोज के लिए तैयारी कर रखा है, बस अब स्टीम करना है मुझे, जिसमें 5-7 मिनट लगेंगे मुझे। और अथर को ले जाना है फ्रेंच फ्राइज वगैरह, तो वो तो मैकेज का पड़ा हुआ है जो मैं फ्राई करके दे दूँगी उसको। तो करती हूँ मैं तैयारी, और क्योंकि अथर को भी उसके बाद तैयार करना है, मुझे खुद भी ऑफिस जाना है, और ऑलरेडी 6:30 हो गए हैं, 6:30 पौने 7 हो गए हैं, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ, करके मैं अथर को उठाती हूँ, तैयार करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और तब तक प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो लोग नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हो और नए भी हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो फटाफट करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैंने लंच पैक कर दिया है, मोमोज मैंने स्टीम कर दिया है, और ये फ्राइज़ फ्राई कर दिया है मैंने, होप उसको अच्छा लगेगा, मतलब उसको जो जो पसंद है वही कर दिया है मैंने, होपफुली वो एंजॉय करेगा अपने लंच को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अथर्व का मम्मा ने कर दिया लंच पैक, और आज लास्ट डे ऑफ स्कूल है अथर्व का, उसका समर ब्रेक। हमारी एक फ्रेंड है वो इधर तो क्या है, बस में स्कूल बस में। की एक फ्रेंड है जो बस में ही सो जाती है रोज। चलो जाओ, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, मम्मा को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, बाय बाय, लव यू, गुड डे बेबी, गुड डे, आई लव यू टू, पापा जाओ जल्दी। तो फ्रेंड्स मेरा पूजा पाठ हो चुका है, कर लेती हूँ मैं नाश्ता वाश्ता, चाय वाय पी लेती हूँ, और फटाफट तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 15-20 मिनट बचे हुए हैं तैयार होने के लिए, और मुझे फटाफट दौड़ना है ऑफिस के लिए। और आज शाम को हम लोगों का वैसे प्लान बना हुआ है, क्योंकि आज हमें जाना है हमारे एक बहुत अच्छे से फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए, तो मिलाऊंगी मैं आप लोगों को, वैसे आप लोग मिल चुके हों उनसे शायद पहले, पर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मतलब मिलाऊंगी आप लोगों को शाम को। तो हो जाती हूँ तैयार, फटाफट दौड़ती हूँ, भागती हूँ, क्योंकि बहुत रश होता है ये गुड़गांव फरीदाबाद वाले रोड पे, टोल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है मेरे लिए वो सुबह वाला ट्रैवल, सुबह वाला क्या, शाम को भी इनफैक्ट बहुत ट्रैफिक होता है आते हुए। तो भागती हूँ मैं फटाफट, और मिलती हूँ आप लोगों के साथ आफ्टर द ब्रेक। तो इन द मीनवाइल आप लोगों को पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और मेरे साथ जुड़े रहना है वीडियो के आखिर तक, ठीक है। सो टेक केयर गाइस, मिलती हूँ आप लोगों के साथ शाम को। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को बोला था कि शाम को हमें कहीं जाना है, तो हम जा रहे हैं डिनर के लिए अभी बाहर, मतलब मैं, लवेश, अथर्व और हमारे एक फ्रेंड है उनके साथ जा रहे हैं हम डिनर के लिए, तो हम यही फरीदाबाद में डिनर के लिए जा रहे हैं। तो
मैं जब ऑफिस से आई और फटाफट दौड़ दौड़ के तैयार हुई हूँ, क्योंकि मेरे आते आते ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो हम निकल रहे हैं अभी। पहले हमारा जाने का प्लान था बारबेक्यू नेशन, पर अब वो बारबेक्यू नेशन वाला थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है, तो हम जा रहे हैं दूसरी जगह। तो चलती हूँ मैं वहाँ पे और फिर मैं जाके आप लोगों को बताती हूँ कि हम कहाँ गए थे। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। मैं लॉक कर देती हूँ और मैं अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गई थी, और अब पता नहीं कितना तक मैं ब्लॉग बना पाऊंगी क्योंकि मैंने अपना फ़ोन चार्ज नहीं किया। देखती हूँ अगर गाड़ी में चार्ज कर पाई। मैं फिर भी चार्जर लेके जा रही हूँ, अगर वहाँ पे कहीं पे मिल गया मुझे ऑप्शन तो मैं चार्ज कर लूँगी एंड आई कंटिन्यू विथ माय ब्लॉगिंग। फिंगर्स क्रॉस्ड कि मेरा फ़ोन तब तक चलता रहे और मैं ब्लॉगिंग करती रहूँ। तो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, और जाती हूँ मैं वहाँ पे और फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अथर्व है बहुत एक्साइटेड क्योंकि वो वरुण भैया के साथ घूमने जा रहा है रेस्टोरेंट। हाँ, और हम अभी निकले हैं तो आगे जाके पिकअप करने और मैं अभी स्विमिंग पूल जाया था, मम्मी उससे पहले ही घर पर। हाँ, तो अथर स्विमिंग क्लास से आ गया है पर वरुण भैया स्विमिंग क्लास गया हुआ है, तो हम जाएंगे पहले वरुण भैया को पिक करने। थैंक यू। तो हम जाएंगे पहले वरुण को पिक करेंगे, फिर हम जाएंगे हमारे लोकेशन में जहाँ पे हमने प्लान किया है। तो यहाँ से वरुण को पिक करने में लगेगा 5-7 मिनट्स, तो हम उसको पिक कर लेते हैं और फिर मैं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने वरुण को पिक कर लिया है और अब हम पहुँच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन में। तो हम आए हैं बारबेक्यू 29। हम पहले जा रहे थे, वीडियो ये है वरुण। तो हम जा रहे थे पहले चैप्टर 12, पर हमें लगा वहाँ पे थोड़ा सा सर्विसिंग थोड़ा सा लेट होता है और बच्चों को बहुत भूख लगी है, तो इसलिए हम यही पास आ गए। तो हम आए हैं बारबेक्यू 29 फरीदाबाद। तो अथर को लगी है भूख। चलो हम अंदर चलते हैं अब। तो स्टार्टर हमारा लग चुका है और हम टूट पड़े हैं स्टार्टर पे क्योंकि बच्चे भूखे थे। ये है राधिका जो पहले मिले थे ना हम वीडियो में, हाँ होली वाले वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस में। तो गाइस ये देखो वरुण भैया, ये देखो मम्मा और आंटी, और ये देखो अंकल, और ये है वरुण भैया, तो हम एंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे। यहाँ पे लाइव काउंटर्स है जिसमें आप डिफरेंट चीजें हैं, गोलगप्पे हैं, चाइनीज है वहाँ पे, तो हम अभी गोलगप्पे ट्राई कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही अच्छा होगा गोलगप्पे। सेम पानी है कैसे भी रख दो, विदाउट सॉस ही कर दो। तो डिनर लग चुका है एंड दिस आर ऑल सैलेड, ऑल डिफरेंट काइंड्स, और ये है सारे डेजर्ट जो बहुत यमी यमी लग रहे हैं देख के। तो खाना खा लेते हैं और फिर खाएंगे और टेस्ट करेंगे सारे डेजर्ट्स। Say something. So, हम लोगों ने खाना खा लिया है अभी। मैं खा रहा हूँ। बहुत मिल रही है। पुष्पा के बारे में बोलो। पुष्पा। बहुत मिल रही है। यह है सुपर डिश। यह है चाट मसाला। हमने सारा खाना खा लिया। हमने सारे स्वीट डिशेस खा लिया। आप ही खट्टे खट्टा डिशेस खाओ। यह है चाट मसाला। गाइस आपको एक बात बताता हूँ। भैया क्या हुआ?
तो फ्रेंड्स हम घर आ गए थे वापस, पर एक्सीडेंटली हमारी कीज वहाँ रेस्टोरेंट में रह गया है, तो हम वापस जा रहे हैं अभी, कीज लाने जा रहे हैं हम। और पहले हमने सोचा था कि हम सुबह लेके आएंगे, पर सुबह बहुत काम हो सकता है, कुछ और भी चीज़ें हुए हैं इसीलिए। और अभी वरुण घर के अंदर नहीं घुस पाएगा अगर हम कीज लेके नहीं आएंगे, तो और हो सकता है कि रात के 1 बजे तक भी हम घर को ना पहुंच पाए। यस, हो सकता है। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। यस, तो फ्रेंड्स वरुण के कहने पे फॉलो तो जरूर करना है यार। हाँ, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। हम 2 बजे, 5 बजे, 3 बजे आज चाहिए क्या भाई? पार्टी ऑनलाइन कर सकते हम लोग आज? हाँ, तो हम अभी वापस जा रहे हैं। होपफुली वो रेस्टोरेंट खुला होगा अब तक। और अगर मेरे हिसाब से खुला रहेगा। हम पहुंच गए बारबेक्यू, बट यहाँ पे मिलने के चांसेस लग रहे हैं, मिल जाएगा आई नो। तो हम पहुंच गए हैं फ्रेंड, और दिख रहा है मतलब काफ़ी लोग हैं अभी भी, 3-4 लोग हैं। तो उन्होंने बंद तो कर दिया था, शटर डाउन करने ही वाले थे, पर हम पहुंच गए हैं। एंड अब हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि अंदर हमारा पर्स रह गया, नहीं लेके आ जाए, तो गए हैं। होपफुली पर्स मिल जाएगा हमें, तो देखते हैं। तो हमें पर्स फाइनली मिल गया है, ये देखो पर्स। वरुण जाके ले आया अपने मम्मा का बैग। तो हम वापस निकल रहे हैं घर के लिए। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, टेक केयर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना।